पाकिस्तानी ख्वातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तकामत और अज़्म की वजह से खुद को मुमताज किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एएसपी शहरबानो नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। एएसपी शहरबानो की पेशा वराना महारत की तारीफ की। शहरबानो ने इचरा लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम और जेयूआईएफए की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक खत मौजूद है, लिखा है हमने इंतखाब लड़ा ना ही, कोई लिस्ट दी। चीफ इलेक्शन कमीशन का इंकशाफ, मौकिफ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त नहीं दी, मुकर्रर वक्त के बाद नई फहरिस्त नहीं दी जा सकती। लिस्ट देने वाली जमातों में सीटें तकसीम हो सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर बोले, फहरिस्त इसलिए नहीं दी कि जीतने का मालूम नहीं था, अब हालात बदल गए, कई लोग शामिल हो गए। नून लीग, पीपी और एमकेएम हमारी मखसूस नशिस्तें हथियाना चाहती है, अगर हमारी सीटें छीन कर बांट दी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान, कहा ऐसा हुआ तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सदर, सेनेट का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। बैरिस्टर गोहर बोले, इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा। एमकेएम पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है, हमारी टीम एमकेएम से राबते में है, शहबाज शरीफ ने बता दिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा, हुकूमत आते ही मईशत ठीक कर देगी। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली का इजलास जारी, मरियम नवाज भी शरीक। एक माह का बजट पेश किया जाएगा। 358 अरब 94 करोड़ से जायद के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात शामिल। अप्रैल से जून का बजट नए वजीर खजाना पेश करेंगे, अपना फर्ज अदा करेंगे, खिदमत करके मुखालिफीन को गलत साबित करेंगे। इजलास से कबल मरियम नवाज की गुफ्तगू। बलूचिस्तान असेंबली के नए अराकीन ने हल्फ उठा लिया। कोयटा प्रिजाइडिंग अफसर जमरक अचकजई ने अराकीन असेंबली से हल्फ लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इफ्तिताही इजलास में शदीद बदनज़मी, अराकीन के हमराह एक कारकुनान के धक्कम पेल, मुतादिद अफराद असेंबली हॉल तक पहुंच गए। नौ मुंतखब अराकीन को परेशानी का सामना रहा, घड़ी दिखाने पर लॉबी से खातून रुकन सोबिया शाहिद पर जूता और लोटा फेंका गया। इंतखाबात में वोट नहीं मिला, पीडीएम का साथ देने पर वोटर नाराज हो गया। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की भी ऑडियो ली, कह रहे हैं पहले हमें 7 सीटें मिली, वो हमारा वोट बैंक था, हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, गवर्नर सिंह भी अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिले भी ना और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो हशर और बुरा होने वाला है। मरियम नवाज ने सिर्फ ऐलान और हमने काम किया। आसिफ अली जरदारी मार्च में सदर ममलुकत का हल्फ उठाएंगे। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में शहदा के मजार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध की अवाम ने नई सोच को चुना है। पाकिस्तानी ख्वातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तकामत और अज़्म की वजह से खुद को मुमताज किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एएसपी शहरबानो नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। एएसपी शहरबानो की पेशा वराना महारत की तारीफ की। शहरबानो ने इचरा लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम और जेयूआईएफए की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक खत मौजूद है, लिखा है हमने इंतखाब लड़ा ना ही, कोई लिस्ट दी। चीफ इलेक्शन कमीशन का इंकशाफ, मौकिफ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त नहीं दी, मुकर्रर वक्त के बाद नई फहरिस्त नहीं दी जा सकती। लिस्ट देने वाली जमातों में सीटें तकसीम हो सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर बोले, फहरिस्त इसलिए नहीं दी कि जीतने का मालूम नहीं था, अब हालात बदल गए, कई लोग शामिल हो गए। नून लीग, पीपी और एमकेएम हमारी मखसूस नशिस्तें हथियाना चाहती है, अगर हमारी सीटें छीन कर बांट दी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान, कहा ऐसा हुआ तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सदर, सेनेट का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। बैरिस्टर गोहर बोले, इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा।
एमकेएम पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है, हमारी टीम एमकेएम से राबते में है, शहबाज शरीफ ने बता दिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा, हुकूमत आते ही मईशत ठीक कर देगी। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली का इजलास जारी, मरियम नवाज भी शरीक। एक माह का बजट पेश किया जाएगा। 358 अरब 94 करोड़ से जायद के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात शामिल। अप्रैल से जून का बजट नए वजीर खजाना पेश करेंगे, अपना फर्ज अदा करेंगे, खिदमत करके मुखालिफीन को गलत साबित करेंगे। इजलास से कबल मरियम नवाज की गुफ्तगू। बलूचिस्तान असेंबली के नए अरकीन ने हल्फ उठा लिया। कोयटा प्रिजाइडिंग अफसर जमर अचकजई ने अरकीन असेंबली से हल्फ लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इफ्तिताही इजलास में शदीद बदनज़मी, अरकीन के हमराह एक कारकुनान के धक्कम पेल। मुतादिद अफराद असेंबली हॉल तक पहुंच गए। नौ मुंतखब अरकीन को परेशानी का सामना रहा। घड़ी दिखाने पर लॉबी से खातून रुकन सोबिया शाहिद पर जूता और लोटा फेंका गया। इंतखाबात में वोट नहीं मिला, पीडीएम का साथ देने पर वोटर नाराज हो गया। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की भी ऑडियो ली। कह रहे हैं, पहले हमें 7 सीटें मिली, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। गवर्नर सिंह भी अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिले भी ना और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो हशर और बुरा होने वाला है। मरियम नवाज ने सिर्फ ऐलान और हमने काम किया। आसिफ अली जरदारी मार्च में सदर ममलुकत का हल्फ उठाएंगे। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में शहदा के मजार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध की अवाम ने नई सोच को चुना है। लाहौर और मुल्तान के बाद एचपीएल पीएसएल का मेला आज से रोशनियों के शहर में सजेगा। शायकीन पुरजोश, आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।